पहले मैंने ये लकड़ी घाना लिया था, उसमें से एक घंटे में 1-15 किलो निकलता था। बाद में मैंने ये इसका ये मशीन का वीडियो देखा और बाद में मैं ये मशीन लिया, उसमें से 1 घंटे में 1 क्विंटल से 1.25 क्विंटल निकलता है। उसमें से करडी एकदम प्रोसीजर फास्ट होती है और इसमें से जिसमें इतना ऐसा तेल निकलता है उसमें इसमें ही वैसा तेल निकलता है। इसमें ऐसा कुछ भी गर्म नहीं होता है, कुछ भी नहीं। तुम कभी भी आओ और ऐसा हाथ डालो तो गर्म नहीं लगेगा। जैसा शुद्ध घाने का तेल रहता है वैसा ये इसका तेल है इसमें, और ज़्यादा तेल निकलता है उसमें से कम 1 क्विंटल में 23 से 24 किलो निकलता है। और इसमें ये खल्ली भी इतनी सुपर निकलती है। खल्ली देखो एकदम मऊ जैसी है खल्ली, ऐसी ऐसी हाथ में तो लिया तो ऐसा चूरा होता है। और वो पहली जो खल्ली थी लकड़ी खाने की वो ऐसी जाड़ी रहती थी, जानवर को खाने को बहुत तकलीफ होती और खरीदी को जाने को भी अपने को दिक्कत नहीं आती है। कम से कम ये हमारी खल्ली हमारे खेत जानवर वाले लेके जाते हैं 25 रुपये से, हमारा जो आउटपुट है इसमें ज़्यादा निकलता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों बिजनेस कैसे करें मैं आपको तरह तरह के बिजनेस आइडियाज़ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। तो दोस्तों मेरी ये कोशिश होती है कि आप ऐसे बिजनेस करें जहां प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो, लोग खुद ब खुद आपका प्रोडक्ट खरीदें और हर घर में इस्तेमाल होता हो। दोस्तों मैं समझता हूँ कि जब आप ऐसे बिजनेस के बारे में एक्चुअल जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनसे पूछते हैं, उनसे सुनते हैं, उनकी आप बीती सुनते हैं, तो मैं समझता हूँ आपको बिजनेस की बहुत बड़ी इनसाइड स्टोरी पता लगती है और उस इनसाइड स्टोरी के आधार पे आप ये निर्णय कर पाते हैं कि आप वो बिजनेस करें या ना करें। और ऐसी इनसाइड स्टोरी के लिए कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन के बारे में जानकारी लेने के लिए मैं पहुँच चुका हूँ दोस्तों औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हूँ, करवाड़ में हूँ। मैं समझता हूँ एक ऐसी मशीन है जहाँ पर आपको हर महीने 3 लाख रुपए कमाने का मौका मिलता है। आप चाहें तो कस्टमर का काम करिए और यहाँ पर आपको इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी है, और आप चाहें तो खुद अपना ब्रांड निकाल सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप हर महीने 3 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो ये मशीन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कैसे ये मशीन काम करती है सारी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। और अगर अच्छा लग रहा है तो अभी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोजगार, अच्छा कारोबार और अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, अगर मिलो दूर हो जो मंजिल पहला कदम उठाना जरूरी है, तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करें का सुहाना सफर। तो दोस्तों बिजनेस वो करना चाहिए जिसमें प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो, और ऑयल यानी कि तेल हर घर में खाया जाता है, अलग अलग वैरायटी का तेल होता है, चाहे आप तिल के तेल की बात करें, सूरजमुखी के तेल की बात करें, सरसों के तेल की बात करें या फिर मूंगफली के तेल की, और उसके अलावा तो जाने कितने तरीके के तेल होते हैं। तो अगर आप तेल का बिज़नेस करना चाहते हैं तो जनरली हम लोगों को इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है, कोई भी बिज़नेस करते हैं बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर आप सिर्फ मशीन लगाइए और उसी दिन से उसी वक्त से आपकी आमदनी शुरू, आप अपने कस्टमर का जो प्रोडक्ट है उसको निकालिए और उससे पैसा कमाइए। आप चाहें तो अपने ब्रांड में भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। तो कई बार हम लोगों को लगता है कि मशीन लगा ली, लेकिन मशीन लगाने के बाद में बिज़नेस कैसा चलता है वो एक्सपीरियंस नहीं होता। तो एक्सपीरियंस कैसे होगा, जब आप दूसरों की कहानी सुनेंगे, तो जब आप दूसरों की बात सुनेंगे कि उन्होंने मशीन लगाई और इस तरह से उन्होंने बिज़नेस किया और उस बिज़नेस में वो कैसा उनको रिजल्ट मिला। तो इसीलिए आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं पहुंच चुका हूं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, और यहां पर मैं करमाड़ में हूं। करमाड़ में भगवत पठारे साहब ने ये मशीन लगाई है, बहुत बहुत स्वागत है भगवत पठारे साहब, आपका बिजनेस कैसे करें। कैसा एक्सपीरियंस है आपका जब आपने ये कोल्ड प्रेस मशीन लगाई और आपने बिजनेस शुरू किया? जब स्टार्ट किया था तब से थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स था, लेकिन जब जब जैसे बिजनेस बढ़ता रहा उस हिसाब से कस्टमर भी आते रहे। मतलब ये ऑयल कैसा है कि हम ज़्यादातर घर में यूज़ करते हैं, मतलब घर में यूज़ करने के लिए हर रोज़ लगता है,
ऐसा नहीं कि एक बार लेके गया और 15 दिन कुछ नहीं, उसका यूज़ होता ही होता है। तो इसलिए कस्टमर का भी रिस्पांस एक बार यूज़ करने के बाद कस्टमर रिपीट आने लगा है। अच्छा, तो जो बाकी ऑयल मिल्स होती हैं और आपने जो ऑयल मिल लगाई तो उसमें क्या अंतर है? मशीन लगाने के बाद मतलब थोड़ा पहले कम रिस्पांस था, अभी कैसा कस्टमर का भी रिस्पांस आ रहा है कि एक बार यूज़ करने के बाद वो बाकी के तेल में कैसा पाम तेल रहता, वो राइस ब्रांड मिक्स करती, अपना वैसा नहीं, हम नेचुरल तेल मतलब तेल निकाल के ये करते, दूसरा कोई मिक्स नहीं करता। और ये इसमें कैसा है कि नेचुरल मतलब मशीन में बीज डालने के बाद वो हीट नहीं होता है, मतलब बाकी में कैसा हीट हो जाने के बाद उसमें जो जीवन सत्व रहते वो नष्ट हो जाते, इसमें हीट होने का कोई ये नहीं रहता। ओके, इसलिए ये जो ये कोल्ड प्रेस ऑयल ही है पूरा। ओके, जैसा लकड़ी खाने में तेल रहता है ठंडा, वैसा इसमें ये मशीन में वैसा ठंडा रहता है। ये देखो मैंने जैसा हाथ डाला है उसमें कोई ऐसा गर्म नहीं लगता, इधर उससे भी डालो तो उसमें चक्कर नहीं बैठता, वो हीट नहीं होता है। तो जो पहले आप करते थे वो किस तरह से कारोबार करते थे? पहले हम लकड़ी गाने का मतलब ये था अपने पास गाना, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्पांस भी कम था, टाइम भी ज़्यादा लगता था। और इसमें कैसा आधुनिक पद्धति से मतलब ये तैयार हुए उसमें टाइम भी बच जाता है और ऑयल का प्रमाण भी ज़्यादा निकलता है ये मशीन। अगर हम मुनाफे की बात करें तो पहले कच्ची घानी में ज़्यादा मुनाफा हो रहा था या इसमें हो रहा है, और इसमें कितना मुनाफा हो रहा है आपको पर डे? इसमें मुनाफा ज़्यादा होता है क्योंकि टाइम भी बच जाता है, लाइट बिल भी कम लगता। और मुनाफे की बात करें तो मतलब एक दिन में लगभग 10,000 के आसपास ही रहता। अच्छा, सारे खर्चे निकाल के ₹10,000, मतलब 3,00,000 रुपये महीना इतनी छोटी सी मशीन कमा के आपको दे रही है, मशीन इतने कमा के दे रही है, बहुत बढ़िया। और कच्ची घानी से कितना कमाई हो जाती थी? बस आधी कमाई उसमें से। अच्छा, तो अभी कच्ची घानी भी लगा रहे हैं और आप ये भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं? हाँ, दोनों भी कर रहे हैं। ओके, तो अब जैसे इसमें कौन कौन से ऑयल्स निकल आते हैं, कौन कौन से सीड्स के ऑयल निकलते हैं इसमें? इसमें सनफ्लावर निकलता, करड़ी निकलती और तिल निकलता, बाकी के सब ऑयल इसमें निकलते हैं। जनरली लोग बाहर मार्केट से ₹400 के आसपास ये करते, लेकिन हम उसमें से कम नहीं करते। ओके, तो आपने किस तरह से किया, मतलब आप कस्टमर का जो माल है उसको निकाल के बेचते हैं, उसमें से अपना पैसा निकालते हैं, या फिर आप अपने ब्रांड में बेच रहे हैं, कैसे करते हैं आप? हम दोनों भी तरीका मतलब ये करते हैं, मतलब अगर कोई कस्टमर भी अब कच्चा माल लेके आता तो हम उसको निकाल के भी देते। अच्छा, कच्चे मटेरियल के हिसाब से। तो उसके लिए आप किस तरह से चार्ज करते हैं? कस्टमर के मटेरियल के हिसाब से ₹20 किलो। ओके, अगर मतलब 1,000 किलो निकाला तो भी बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी, ₹20 किलो के कच्चे मटेरियल के हिसाब से निकलते। तो 1,000 किलो का आराम से प्रोडक्शन हो जाएगा 10 घंटे चलाएंगे तो? हाँ, एक दिन में आराम से निकल जाता है। ओके, तो अब इसमें इसको लगाने से कुछ समस्याएं हुई क्या आपको, कोई नेगेटिव साइड है इसकी क्या? नहीं, नेगेटिव अभी तक तो कुछ नहीं मालूम, कोई नेगेटिव नहीं है, कोई भी नेगेटिव नहीं, अभी मशीन में कोई खराबी नहीं आई, सही चल रही है एकदम, सही एकदम ओके चल। कितना वक्त हो गया आपको लगाए हुए? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, 2 साल में कोई खराबी नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम। वेरी नाइस। और कितनी बिजली लेती है ये? बिजली एक दिन के 30 यूनिट तक ये चल जाता। 30 यूनिट और अपना कंटिन्यू चालू रहता ना। अच्छा, ऐसा नहीं कि बीच में बंद है, एनी टाइम रेगुलर चल रहा है। अच्छा, तो आप कितने घंटे काम कर रहे हैं अभी? 10 से 12 घंटे तक अभी चालू है, बाद में तो जिस हिसाब से डिमांड बढ़ती है उस हिसाब से हम ये करते हैं। ओके, तो अब जैसे आप अगर अपना मशीन से ऑयल निकाल के अपने ब्रांड में सेल कर रहे हैं तो उसके लिए बॉटलिंग पैकेजिंग वो सब भी करनी पड़ती है, तो कैसे करते हैं आप? बॉटल तो हम बाहर से मंगाते। ओके, सब इधर अपना बाहरी पैकिंग है, उसकी कैप वगैरह उसमें फिक्स अपने आप आ जाती है? हाँ, आ जाती है, मतलब उसमें बॉटल में आप कैप लगाते हैं और अपने आप फिक्स हो जाती है। हाँ, तो मतलब अलग से कोई पैकेजिंग मशीन लगाने की जरूरत नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, बाकी का कुछ भी खर्चा नहीं, जो है वो मशीन कैसे पिए रहता। वेरी नाइस। तो आपने ट्रेडमार्क लिया अपने ब्रांड के लिए, आप लेंगे? हाँ, अभी लेने वाले हैं, अभी लेंगे। हाँ, ओके, तो अब जैसे ये मशीन है आपका, दोनों काम कर रहे हैं कि आपने कच्चा माल ग्राहक का भी निकालते हैं और अपना भी निकालते हैं, तो सबसे ज़्यादा मुनाफा किस में हो रहा है, ग्राहक के काम में अपने काम में? अपने काम में मतलब जो ऑयल में, ऑयल में मार्जिन नहीं रहती, हम ढेप में निकालते हैं ऑयल, जो है हम मतलब जो कीमत रहती है उससे से 10 रुपये निकालते हैं, जो अपना मार्जिन रहता है वो सिर्फ ढेप में नहीं रहता। लोग कौन सा ऑयल प्रीफर करते हैं? आप तो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस हो गया आपको कि ये कच्ची घानी का करते हैं या फिर कोल्ड प्रेस मशीन वाला करते हैं या फिर वो जो पुराने ऑयल एक्सपेलर बड़े बड़े होते थे उनका ज़्यादा यूज़ करते हैं? कोल्ड प्रेस का ज़्यादा ये करते हैं। कोल्ड प्रेस का।
क्यों? मतलब उसमें कैसा रहता है कि जो विटामिन रहते वो नष्ट नहीं हो जाते। अच्छा, विटामिन नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं। हाँ ओके, तो अब जैसे ये आपने छोटी सी मशीन लगाई है, तो ये मशीन लगाने के बाद में आपको अब क्या फील कर रहे हैं आपके, क्या लोगों को ये कारोबार करना चाहिए, ये रोजगार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैं लोगों को दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अभी कैसा है कि जो केमिकल का ये केमिकल का यूज़ कम करना चाहिए, इसलिए हम ऑर्गेनिक में घुसना चाहिए, नेचुरल ऑयल में घुसना चाहिए। अच्छा, तो मतलब ये फायदे का सौदा है, मतलब अच्छा बिजनेस है? बिजनेस भी है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अच्छा, तो टोटल कितना खर्चा आ जाता है इसको पूरा सेटअप करने में? लगभग टोटल खर्चा 10 लाख के आसपास आ जाता है पूरा खर्चा। ओके, मशीन के साथ साथ आप मशीन का सब बाकी कनेक्शन है, जगह है, ये सब मिला के? सब मिला के। ओके, तो आपको रॉ मटेरियल कितना मेंटेन करना पड़ता है? रॉ मटेरियल जो लगभग मैं 5 टन के आसपास में मटेरियल, क्योंकि आप अपना निकाल रहे हैं इसलिए। हाँ, जो अगर नहीं निकालेगा अपना तो वो अपना शुरू ऐसे ही कर सकता है? वो बाहर कस्टमर का भी ये कर सकता है, मतलब कस्टमर ने लेके आए तो ऑयल निकल के देने का, उस हिसाब से भी हम ये कर सकते हैं। तो अभी जैसे आपने कहा कि ये करना चाहिए रोजगार, तो क्या आपकी जैसे आप कर रहे हैं वैसा वाला रोजगार करना चाहिए कि अपने ब्रांड में भी निकालो और ग्राहक का भी कच्चा माल लेके उसका भी निकालो? हम दोनों भी तरीका कर सकते हैं। अपने ब्रांड में निकलेगी तो अपना नाम होगा, और कस्टमर का ये करेंगे तो कस्टमर भी फायदे में रहेगा। तो उससे कस्टमर बंधा रहेगा, कस्टमर आगे बढ़ता रहेगा। तो आप कैसे प्रमोशन कैसे करते हैं अपने ब्रांड का? हम खुद जाके ये करते हैं। किस तरह से? मतलब अभी हम दुकानदारों से मिलते, कस्टमर से बाहर ऐड करते, अपना कपड़े का बिजनेस है उधर भी हम रखते। अच्छा, उधर भी सैंपल रखते। हमने वो टाइम में स्कीम भी रखी थी। अच्छा। खरीदी के ऊपर ऑयल भी। अच्छा, कपड़े खरीदो ऑयल आपके आपको ये गिफ्ट में रहेगा, उससे आपका ऑयल लोगों को जब लोगों के मतलब कस्टमर को गिफ्ट भी जाएगा और अपना मार्केटिंग भी होगा। मतलब एक तरह से आप कहना चाह रहे हैं कि ऑयल कस्टमर टेस्ट करेगा, उसके बाद फिर वो उसको बार बार खरीदेगा, तो उससे फायदा हुआ? मतलब हमने पहले तो फ्री में मतलब गिफ्ट समझ के कस्टमर को ये किया था। अच्छा, उस हिसाब से तो वो कस्टमर वापस आए खरीदने ऑयल? आए, उसमें से बहुत से कस्टमर रिटर्न आए। अच्छा, वेरी नाइस। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन मशीन है, छोटी सी मशीन है, आप देख रहे हैं कि ये एक 10x10 की दुकान में भी आप बड़े आराम से सेटअप कर सकते हैं, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और रिटर्न्स आपको पहले दिन से मिल जाते हैं। और मैं कहूँगा कि जो मॉडल भगवत पठारे साहब का है कि आप अपना तो माल निकालिए अपने ब्रांड में, लेकिन ग्राहकों का भी काम करिए, उससे ग्राहक बंधे रहते हैं और अल्टीमेटली वो आपके ब्रांड की तरफ एक ना एक दिन शिफ्ट हो जाते हैं। प्रमोशन का तरीका तो उन्होंने बताया कि उनका कपड़े का भी काम है, एक शोरूम है वहाँ पर भी वो रख देते हैं बॉटल्स को, और उससे कस्टमर को गिफ्ट में देते हैं कई बार, और कई बार कस्टमर यूं ही खरीद के ले जाता है, और जिसको गिफ्ट में देते हैं वो इस्तेमाल करता है अपने घर में वो ऑयल, और वो रिटर्न आता है, यानी कि आपकी आमदनी बढ़ती बढ़ती है। तो मैं समझता हूँ इस तरह से आपकी ब्रांड पॉपुलैरिटी बढ़ती है, और ब्रांड ऐसे ही बिल्डअप किए जाते हैं दोस्तों। छोटा छोटी मशीनों से आप कारोबार करें, अच्छा पैसा कमाएँ, क्योंकि 3 लाख रुपये महीना ये कोई कम नहीं है। एक अच्छा स्वरोजगार जिसमें आप खुद के मालिक हैं, एक लेबर की बात और मैं आपसे करूंगा, इसको चलाने के लिए पूरे सेटअप के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है? दो जन आराम से चल जाता हूँ, आराम से चल जाता हूँ। ये देखो, जो अपना जो तेल रहता है घाने का, और ये इसमें एक ही प्रोसीजर रहती है, उसमें गर्म नहीं होता है, जितना ही तेल है उतना ही इतना ठंडा रहता है। और उसमें देखो, ये कम से कम 50 किलो का तेल है, ये 100 किलो में कम से कम 24 से 25 किलो तेल निकलता है, और उसमें घाने का जो तेल रहता है सेम वैसा रहता है। जो अपने पास ये घाना है, मैंने पहले घाना लिया था, उसमें थोड़ा मेरे को दिक्कत आ रही थी, इसके वास्ते मैंने ये मशीन ली, और बाद में मेरे को अच्छा लगा। ये देखो, दे इधर डाल, टक टक। कितना किलो निकालता है? कम से कम 100 से 150 किलो निकलता है एक घंटे में। ये खली है, एकदम मऊ निकलती है, जानवरों को खाने को तकलीफ नहीं आती है। ये खली ऐसी है, जो पहली खली थी इसमें घाने की, वो बहुत जाड़ी रहती थी, उसमें जानवर को खाने को बहुत तकलीफ आती थी। अभी इसमें जानवर को खाने को बहुत दिक्कत कम आती है, वो ऐसे खुशी से खाते हैं, ऐसे
अपनों को जैसी खुशी लगती है वैसे सिस्टम से वो खाते हैं। जब आपने सेटअप किया था तो कुछ लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं? हाँ, लाइसेंस लेना पड़ता है। कौन कौन से लाइसेंस? फूड लाइसेंस लेना पड़ता है। फूड लाइसेंस और जीएसटी भी लेना होगा? हाँ, जीएसटी, फूड लाइसेंस। ओके, बाकी की जो फॉर्मेलिटी भी बस। तो आपने जब ये लाइसेंसेस लिए तो इसमें कोई दिक्कत आई आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। कितने दिनों में मिल गए? 15 दिन में पूरा क्लियर हो गया था। अच्छा, पूरा क्लियर हो जाता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा था। कोई ज्यादा खर्चा तो नहीं था? कुछ भी नहीं, ज्यादा खर्चा भी नहीं। बहुत बढ़िया। तो मैं समझता हूँ जरूर इस बिजनेस के बारे में सोचिए दोस्तों, और आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो ये मशीन कहाँ से खरीदी है ये आप भी जानना चाहेंगे, और मैं भी क्यूरियस हूँ कहाँ से आपने ये मशीन ली। ये मशीन हमने भारत एग्रीटेक लातूर से ली, महाराष्ट्र में। अच्छा, तो सर्विसेज अच्छी मिली आपको? एकदम बढ़िया सर्विसेज। और जो आफ्टर सेल सर्विस है कि मशीन लगाई आपने, वैसे तो आप कह रहे हैं 2 साल में कभी खराब नहीं हुई, लेकिन कभी आपने कांटेक्ट किया, सर्विस मिल रही है उधर से, बातचीत हो रही है, कुछ समस्या आती है तो? हाँ, समस्या हुई तो थोड़े बहुत समस्या हुई थी स्टार्टिंग में, मतलब कैसे चलाने की, क्या ये करने की, तो उन्होंने पूरी डिटेल के साथ बताया था। तो इंस्टॉलेशन में उन्होंने मदद करी इसको लगवाने में? हाँ, उन्होंने मदद की थी स्टार्टिंग। वेरी नाइस। तो दोस्तों मेरी ये कोशिश होती है बिज़नेस कैसे करें में कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन रोज़गार के साधन मिले, और ये कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन ऐसी है जहाँ पर मार्केट में इस तरह के ऑर्गेनिक या नेचुरल ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर घर में हर हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल वो चाहता है कि उसके परिवार की स्वास्थ्य अच्छा रहे, हेल्थ अच्छी रहे, और मैं समझता हूँ अगर आप ऐसी मशीन लगाकर कारोबार करते हैं तो ना सिर्फ अच्छा स्वास्थ्य बांटते हैं लोगों को, बल्कि आप अपने ब्रांड में कारोबार करते हैं तो आपके नाम से लोग आपको जानते हैं, और कमाई के मामले में तो ये सुपर हिट है। 3 लाख रुपए महीना कमाई, ये कम नहीं है दोस्तों। एक मशीन लगाई, अगर आपका कारोबार बढ़ रहा है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, आपके ब्रांड की डिमांड बढ़ रही है, तो आप दूसरी मशीन लगा सकते हैं और अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी मशीन जो प्लग एंड प्ले है, लगाइए और काम शुरू करिए, यानी कि आपको अपने ब्रांड में भी नहीं निकालना है तो पहले दिन ही कस्टमर के कच्चे माल से शुरू करिए दोस्तों। ख़ास करके उन लोगों के लिए जो कस्बों में रहते हैं, छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, जहाँ गाँव आसपास हैं, उनके लिए तो ये मशीन किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसा रोज़गार का साधन जो आपको कई दशकों तक बहुत बेहतरीन इनकम का सोर्स हो सकता है। मैं समझता हूँ आप ज़रूर इस बिज़नेस के बारे में सोचिए। आपको कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद भगवान पठारे साहब, आपने इतना वक्त दिया मुझे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिज़नेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द मिलता हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए, और देखते रहिए यूट्यूब पर बिज़नेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार।